हेलो गाइस, आई एम मोहम्मद इलियास। तो आज हम देखेंगे क्लाइंट और सर्वर जो के वेबसाइट्स की दो पार्ट हैं, वेब एप्लीकेशंस के दो पार्ट हैं। तो हम आज उनको एक्सप्लेन करेंगे। बेसिकली सर्वर जो होती है वो प्रोग्रामिंग किए हुए, कोडिंग किए हुए फाइल्स होते हैं किसी कंप्यूटर में, जो कि 24 घंटा ऑनलाइन रहते हैं, बिजली वगैरह नहीं जाती है बिल्कुल, मतलब एक सेकंड भी ऑफलाइन नहीं होता है। तो उसके अंदर फाइल सेव होते हैं। इसी तरह क्लाइंट जो हम ब्राउज़र एक्सेस कर लेते हैं, ब्राउज़र से हम जो वेबसाइट्स वगैरह एक्सेस करते हैं, तो वो हमारे जो जितनी भी कोड है जो ब्राउज़र में लिखी होती है वो हमारे क्लाइंट साइड कोड होती है। इसी तरह जो हम सर्वर से फाइल्स वगैरह फैच करते हैं, मतलब डाउनलोड करते हैं कोई एप्लीकेशन वगैरह इंटरनेट से, तो वो हम किसी सर्वर से रिक्वेस्ट मार के किसी और कंप्यूटर से अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर लेते हैं। तो इसी तरह बेसिकली होता क्या है कि हम एक रिक्वेस्ट मारते हैं सर्वर को, तो सर्वर हमें रिस्पॉन्स भेज देता है एक। तो क्लाइंट जब रिक्वेस्ट मारती है सर्वर को, तो सर्वर रिस्पॉन्स में कुछ डेटा उसको प्रोवाइड कर देता है। तो ये जो रिस्पॉन्स में कुछ डेटा देता है, तो वो कहाँ से आती है, वो लॉजिक, वो कोड, वो सारी चीज़ें एक प्रोग्रामर ने उसके अंदर पहले सेव किए होते हैं एक फाइल के अंदर। तो जब भी इस तरह का रिक्वेस्ट आए, जैसे लॉगिन का रिक्वेस्ट आए, जिस तरह के लॉगिन का रिक्वेस्ट आए किसी यूज़र की, तो उसको होम पेज या डैशबोर्ड पेज पे उसको लाया जाए, उसको उसकी जो डेटा है वो उसको रिस्पॉन्स के तौर पर मिलती है। तो आगे हम चेक करेंगे कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स जो होती है वो कैसे होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड्स में हम मज़ीद डिटेल्स में हम देखेंगे कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स जो होते हैं क्लाइंट और सर्वर के दरमियान वो कैसे काम करते हैं। तो अब अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग जो होती है, उसमें ब्राउज़र के अंदर जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल, सीएसएस और एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट जो कि ब्राउज़र के अंदर होती है, वो हमारी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग कहलाती है। इसके अंदर हेल्पर एप्लीकेशन भी हम इसको बोल सकते हैं। तो नेटवर्क जो होती है वो एक प्रोटोकॉल है, जैसे कि एचटीटीपीएस है, उसके ज़रिए से हम डेटाबेस सर्वर को रिक्वेस्ट मारते हैं कि हमें डेटा फैच करें, हम वहाँ से डेटा फैच करें। तो जो सर्वर होती है उसमें लॉजिक लिखी होती है, उसमें कोड लिखा होता है, वो डेटाबेस के साथ कनेक्ट होता है। तो नेटवर्क के ज़रिए वो रिस्पॉन्स भेज देता है हमारे ब्राउज़र को। इसी तरह हमारे ब्राउज़र डेटा की एक्सचेंज करता है, मतलब कोई भी डेटा चाहिए होता है तो उसको रिक्वेस्ट मारता है सर्वर को। सर्वर का जो एपीआई है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस प्रोग्राम है, तो वो क्या करते हैं, वो बैकएंड में डेटाबेस के साथ कनेक्ट होता है। सही है, बैकएंड जब मैं बोल रहा होता हूँ तो डेटाबेस आप उससे मुराद ले सकते हैं, सर्वर से भी मुराद ले सकते हैं। तो सर्वर डेटाबेस में बेसिकली हमारे यूज़र के जो लॉगिन डिटेल्स हैं, पासवर्ड्स वगैरह हैं और दूसरे भी जितने डिटेल्स हैं वो सेव होते हैं। तो जब भी कोई रिक्वेस्ट मारता है तो डेटाबेस से जो भी डेटा सेव होती है वो सर्वर को मिलते हैं। तो सर्वर नेटवर्क के ज़रिए, प्रोटोकॉल के ज़रिए जो एचटीटीपीएस होता है, तो उसके ज़रिए से सर्वर को जो भी रिक्वेस्ट मतलब क्लाइंट मारता है, तो रिस्पॉन्स के तौर पर नेटवर्क के ज़रिए वो भेज देता है डेटा ब्राउज़र को। इसी तरह बिल्कुल रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के ज़रिए पूरी वेब एप्लीकेशन काम करते हैं, मतलब डेटा एक्सचेंज करते हैं, फ्लो ऑफ डेटा इसी तरह होती है। तो नेक्स्ट हम इसके प्रोज और कॉन्स देखेंगे। तो क्लाइंट साइड के अपने प्रोज हैं और सर्वर साइड के अपने प्रोज और कॉन भी हैं सर्वर साइड और क्लाइंट साइड के। टेक्निकल इंडिपेंडेंसीज है, मतलब यूज़र क्लाइंट साइड का कोड मॉडिफाई कर सकता है, और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब कोई भी रिस्पॉन्स किसी तरह का भी आप डेटा सर्वर को सेव करवा सकते हैं। इसी तरीके से क्लाइंट साइड में बिल्कुल हमारे पास जो डेटा होती है, हमारे पास जो कोड होती है, वो यूज़र के हाथ में होती है,
फ्लेक्सिबिलिटी सर्वर साइड की तरफ हमें कम दी जाती है। मतलब ये भी हमारी एक अपॉर्चुनिटी है, जैसे कि इसकी डाउन नहीं है, एक प्रो है। मतलब कोई भी रिक्वेस्ट हमें मारनी होती है सर्वर को तो हम मार सकते हैं और डेटा फेच कर सकते हैं। दूसरी जो प्रोज है वो अवेलेबल टू एवरी बॉडी है, मतलब हर कोई क्लाइंट साइड कोड यूज़ कर सकता है। और रोबस्टनेस जो सर्वर साइड का है वो भी एक प्रो, मतलब एक प्लस पॉइंट है। मतलब ये रोबस्टनेस से मुराद की डायनेमिक है, हम कोई भी फाइल फेच कर सकते हैं सर्वर से। दूसरा एफिशिएंसी में बिल्कुल एफिशिएंट है क्लाइंट साइड, और क्लाइंट साइड में जो रिक्वेस्ट मारते हैं हम ओमनी चैनल एक्सपेरिमेंट के तौर पर, वो जो सर्वर साइड है वो हमें डेटा फेच करके देता है। इसी तरह इसकी कौन, इन दोनों के कौन भी हैं। कौन में हम मस्ट इंश्योर लैक ऑफ फ्लिकर और परफॉर्मेंस इश्यूज, मतलब हमें परफॉर्मेंस जो इश्यूज़ हैं उनको हमें हमेशा मद्देनज़र रखना है। इमेजेस वगैरह जो बड़े एमबीज के होते हैं, मतलब बड़े साइज़ के होते हैं, उनको नहीं भेजने होते हैं, नहीं सेंड करने होते हैं। दूसरे कौन इसकी क्या है कि लॉन्गर इम्प्लीमेंटेशन क्या है, मतलब इसकी ये डाउन साइड है कि इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारा टाइम लेता है, मतलब बहुत सारे एरर्स बग्स वगैरह हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से हम आसानी से इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरी बात पोटेंशियली नॉट एज सिक्योर, बिल्कुल क्लाइंट साइड में बहुत सारे अटैक्स हैं, जैसे कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग एक अटैक है, वो पॉसिबल है, उसके ज़रिए से हैक हो सकता है। दूसरी जो चीज़ है सर्वर साइड में भी, सर्वर साइड के भी इस तरह के अटैक्स और भी बहुत सारे हैं। सर्वर साइड अटैक्स SRF होते हैं, SRF सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉरवर्डिंग, मोर लेबर इंटेंसिव एंड मोर रिसोर्स नीडेड। मतलब कि जितनी बड़ी एप्लीकेशन होगी उतनी ज़्यादा रिसोर्स, MB GB वगैरह जो कंप्यूटर होती है जिसके अंदर सर्वर की फाइल्स से होती है उनको चाहिए होता है। मतलब जितनी ज़्यादा एप्लीकेशन होगी, जैसे फेसबुक है, गूगल है, इसके उतनी ज़्यादा रिसोर्स उनको चाहिए होती है। तो अभी डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि डेटाबेस की जो लॉजिक कोड होती है वो कैसे लिखी जाती है। तो इधर मैंने MySQL की जो डेटाबेस है उसकी स्कीमा डिस्क्राइब की है, और मतलब राइट किए हैं, इसके बाद क्वेरी मारी है। और इसी तरह ये सर्वर साइड कोड है, आप देख सकते हैं। और ये जो सर्वर साइड कोड है वो हम क्लाइंट साइड को, मतलब क्लाइंट को कभी भी नहीं दिखाते। सर्वर साइड कोड जो होती है वो प्राइवेट होती है, प्राइवेसी इशू होती है। अभी भी मैंने इधर दिखा रहा हूँ आप दोस्तों को, तो ये मेरा एक टेस्टिंग प्रोजेक्ट है, ये मैं लोकली कर रहा हूँ, तो इसी वजह से डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए मैं आपको बताता हूँ कि ये जो ऐप डॉट जे एस है बेसिकली एप्लीकेशन या सर्वर डॉट जे एस, मतलब सर्वर की कोड है। इसमें हम डेटाबेस के साथ कनेक्ट करते हैं, डेटाबेस डॉट जे एस आप देख सकते हैं, तो उधर से फेच करते हैं हम डेटा को। जो डेटाबेस मैंने अभी आपको उसकी कोड दिखाई थी, तो उधर से हम उसकी कोड को फेच करते हैं। कोई भी यूज़र मतलब लॉग इन की इस तरह की डिटेल की रिक्वेस्ट मारता है, तो हम रिस्पॉन्स में उसको जो डेटा फ्रंट करते हैं वो सारी कोड उसके सर्वर में आती है। ये फ्रंट एंड है, मतलब HTML वगैरह, ये यूज़र एक्सेसिबल है। यूज़र अभी मैं आप दोस्तों को एज अ डेमो दिखा रहा हूँ। ये जो सारी कोड है, ये जो ब्राउज़र में आपको दिख रही है, ये बेसिकली फ्रंट एंड कोड है। आप इस पर क्लिक करके इसको चेक कर सकते हैं। और देखें ये जो जितनी HTML कोड है ये सारी फ्रंट एंड की कोड है, सही है। इसको आप मॉडिफाई वगैरह कर सकते हैं, ये हमारे अंडर, मतलब इस पे हमारी ग्रिप है। तो जो सर्वर साइड कोड है, अभी जब मैं चेंज करूँगा तो आप देख सकते हैं कि उधर भी चेंज हो जाएगा। ये साइन अप फॉर्म है, अगर चेंज करूँ कोई भी डमी डेटा डाल देता हूँ इसके अंदर, तो आप देख सकते हैं कि ये चेंज होके डमी डेटा के फॉर्म में आ गया। तो ये मैं प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ, क्लाइंट साइड और वेब एप्लीकेशंस कैसे वर्क कर रहे हैं लोकली उसका कोड। अभी देखो नेटवर्क टैब में आप देख सकते हैं कि रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जो मैंने आपको बताए थे, आप कहेंगे कि यार रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स किधर जा रहे हैं। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जब आप मारते हैं ना, अपने कोई भी लॉग इन पेज वगैरह पे क्लिक करते हैं तो रिक्वेस्ट इधर इस जगह पे और रिस्पॉन्स इस जगह पे आ रहे हैं।
अभी आपको दिखाई दे रहे हैं, मतलब सर्वर की कोड, लेकिन बेसिकली सर्वर की कोड दिखाई नहीं देता है, मतलब किसी और कंप्यूटर पे होस्ट होती है। अभी तो मैंने इधर लोकली किया हुआ है इसीलिए ये दिखा रहा है। और इसी तरह के रिस्पांस में आपको डेटा फेच किया जाता है सर्वर से। ये सारी बिल्कुल बैकएंड की कोड है, फ्रंट एंड की कोड है, सॉरी, जो आप डिस्प्ले कर रहे हैं। तो आई होप कि इधर तक आप दोस्तों को क्लियर हो गया होगा। तो मैंने सोचा था कि जो सर्वर और क्लाइंट साइड है, बहुत सारे दोस्तों को समझ शायद ना आए कि इसकी मॉडल कैसे काम करता है, वेब एप्लीकेशंस की जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कैसे काम करती है। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि इस पर डिटेल्ड एक वीडियो बहुत ही आसान अल्फाज में बिल्कुल प्रैक्टिकल डेमो के साथ दिखा दिया जाए कि सर्वर साइड कोड कैसे होती है, क्लाइंट साइड कोड कैसे होती है।